हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज मैं आप लोग को बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताऊंगी। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 7 इंच है, आर्महोल की लंबाई 6.5 इंच है। ब्लाउज का साइज अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। 3.5 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग कर लेते हैं। नीचे के साइड भी 3.5 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर दीजिएगा। तो मैंने ये देख लीजिए 3.5 इंच की लंबाई पर यहाँ से मार्क कर दिए। दोनों को बराबर करते एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब गले की लंबाई लेंगे। देखिए मैं गले की लंबाई 11 इंच रख रही हूँ। 11 इंच पे मार्क करेंगे और बिल्कुल बराबर में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और गले की डिज़ाइन के लिए ऊपर के साइड से 3 इंच की लंबाई पे एक मार्किंग करेंगे और वहाँ से भी लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना देंगे। तो ऊपर के साइड से 1 इंच का कॉर्नर से मार्किंग करेंगे और राउंड नेक की मार्किंग कर लेते हैं। और नीचे के साइड से देखिए हम बर्फी मॉडल में गले में रखेंगे। तो जितना हमारा गले की लंबाई बची उसका हाफ मार्किंग करेंगे। तो देखिए हमारे गले की हाफ मार्किंग मैंने कर दिया है। अब इसका हम बर्फी मॉडल में मार्किंग करेंगे। तो आप देख लीजिए वीडियो में कैसे मार्किंग कर रही हूँ, गले कैसे कर दीजिएगा। ठीक, गले की मार्किंग हो चुकी है। जैसे मार्क किए सेम कटिंग कर लेंगे। तो मैंने गले की पूरी कटिंग कर दिया है। ब्लाउज़ कपड़ा ले लेते हैं और ब्लाउज़ के कपड़े की भी सेम ऐसी गले की कटिंग कर लेंगे। ये गले की कटिंग दोनों का कर दिया है। दोनों को बराबर में रख देते हैं। तो अच्छे से बराबर में रखते एक सिलाई लगा के पूरी स्टिचिंग करेंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे स्टिचिंग बराबर में कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने ये पूरे गले की अच्छे से स्टिचिंग कर दिया है। इस तरीके से स्टिचिंग कर दीजिए। गले पे छोटे छोटे कट लगाएंगे अब, तो पलट कर जब सीधा करेंगे तो डिज़ाइन सेम आएगी। तो मैंने देखिए पूरा कट छोटा छोटा लगा दिया। अब इसको पलट कर सीधा कर देंगे। तो अच्छे से गले को पलट कर सीधा कर दीजिएगा। जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ ऐसे आप भी पलट कर सीधा कीजिएगा। ये गले के मैंने दोनों कॉर्नर को अच्छे से पलट कर सीधा कर दिया है। ब्लाउज़ की पूरी अच्छे तरीके से सीधी कर लेते हैं पलट कर। ये ब्लाउज़ पूरा सीधा हो चुका है। अब इस पर एक सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। ऐसे आप भी सेम कर दीजिएगा। तो देख लीजिए मैंने गले की फिनिशिंग की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया है। अब ब्लाउज़ की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बराबर करते एक सिलाई लगा के पूरे ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने ये देख लीजिए पूरे ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया है। नीचे के साइड से ब्लाउज में ट्रक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो अच्छे से माप लेते हुए दोनों साइड से बराबर में ट्रक्स स्टिच कर दीजिएगा। तो ये देख लीजिए मैंने ट्रक्स की स्टिचिंग दोनों साइड से कर दिया है। नीचे के साइड का जो फैब्रिक है इसको डबल फोल्ड करेंगे और ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते एक सिलाई लगा के इसकी पूरी स्टिचिंग कर रहे हैं। ऐसे आप भी कीजिएगा। तो मैंने देखिए नीचे के साइड से पूरा स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया। ब्लाउज मेरा स्टिच है, इस पर डिज़ाइन करेंगे। तो ब्लाउज साइड करते हैं। मैंने ये न्यूज़पेपर ले लिया जिसको डबल फोल्ड करके रख दिए हैं। के ऊपर ब्लाउज लेंगे। देखिए ब्लाउज को भी डबल फोल्ड करके रख दिए हैं। हम बराबर में गले के बराबर में पूरा मार्किंग कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए ऐसे मार्किंग कर दीजिएगा कि मैंने गले के बराबर में मार्किंग कर दिया। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे साइड से। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। पूरा मार्किंग हो चुकी है, वैसे सेम कटिंग कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग कर दिया है। अब इसको बराबर में फैला लेते हैं और डिज़ाइन के लिए मार्किंग करेंगे। दूसरे साइड भी ऐसे ही मार्किंग होनी चाहिए। 1 इंच जो एक्स्ट्रा है उस पर भी मार्किंग करना है। तो वहाँ से देखिए मैंने फोल्ड कर दिया। दूसरे साइड भी मार्किंग कर देंगे। दोनों साइड से मार्क आ चुका है। अब डिज़ाइन के लिए मार्क करेंगे। तो 1.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए मार्किंग कर लेंगे छोटे छोटे बॉक्स का इसमें। तो आप देख लीजिए मैं कैसे छोटे छोटे बॉक्स का मार्किंग कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। तो देख लीजिए जो मार्किंग किए हैं छोटे छोटे बॉक्स का उस पर लाइनिंग कर रहे हैं, ऐसे लाइन कर दीजिएगा पूरा। तो मैंने अच्छे से कर दिया है। दूसरे साइड से भी हम ऐसे ही मार्क करके पूरा लाइन कर देते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे मैं मार्किंग कर रही हूँ, ऐसे मार्क पूरा कर दीजिएगा। तो मैंने ये पूरा मार्किंग एक साइड से कर दिया, दूसरे साइड से भी पूरा मार्किंग कर लेते हैं ऐसे ही।
तो मैंने देखिए पूरा अच्छे से बॉक्स बनाते ये मार्क करके आपको दिखा दिया। अब इसके ऊपर डिज़ाइन करेंगे, तो ब्लाउज इसको डिज़ाइन को साइड करेंगे और मैंने ये एक पट्टी ले ली, इसकी मुझे डोरी स्टिच करनी है। तो डोरी स्टिच करेंगे तो आप वीडियो में देखिए मैं कैसे डोरी की स्टिचिंग कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। तो देखिए डोरी स्टिच हो चुकी है। अब इस डोरी को पलट कर सीधा करना है, तो नीडल की सहायता से डोरी को पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए मैं डोरी को कैसे पलट कर सीधा कर रही हूँ, ऐसे आप भी पलट कर सीधा कर दीजिएगा। तो ये देखिए डोरी पलट कर सीधी हो चुकी है। अब इस डोरी को साइड करेंगे और जो न्यूज़पेपर पे हमने डिज़ाइन मार्क किया है उसको देखिए ले लिए हैं। अब जितने मार्किंग किए हैं बॉक्सेस का उस पर हम इस डोरी को रखते स्टिचिंग करेंगे। तो बिल्कुल मार्क के ऊपर रखते डोरी को स्टिच कीजिएगा। तो आप वीडियो में देखिए, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपका क्लियर हो जाएगा वीडियो में। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी वो पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँगी। ये देख लीजिए मैंने 3 लेयर में डिज़ाइन पूरा स्टिच कर दिया। दूसरे साइड से भी स्टिचिंग करें, ऐसे आप भी कर दीजिएगा। तो मैंने ये देखिए पूरा डोरी अच्छे से स्टिच कर दिया है। अब इसके साइड से हमें डिज़ाइन करना है, तो इस डिज़ाइन को साइड करेंगे और जो डिज़ाइन मैंने देखिए स्क्वायर में ये कट की, इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा है। इसको 4 पार्ट्स में देखिए फोल्ड करते डिज़ाइन को बना रहे, इस तरीके से डिज़ाइन बनाते साइड से पूरा स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो जिस तरीके से मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ उस तरीके से आप पूरा डिज़ाइन बना लीजिएगा, जितने भी डिज़ाइन हमें यूज़ करने हैं ब्लाउज़ में। तो मैंने आपको कुछ ये बनाकर दिखा दिया, ऐसे मैं पूरा बना लूँगी। तो ये मैंने कुछ बनाए हैं ऐसे, मैंने देखिए पूरा बना दिया। अब ये मैंने न्यूज़पेपर वाली डिज़ाइन ले ली, इसके देखिए साइड से डिज़ाइन को स्टिच करें, ऐसे पूरा आप भी स्टिच कर दीजिएगा। तो मैंने ये देखिए पूरा डिज़ाइन अच्छे से न्यूज़पेपर पे स्टिच करके साइड कर दिया है। मैंने ये एक पट्टी ले ली है, पट्टी की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है। दोनों साइड से पट्टी को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और बीच में बिल्कुल बराबर में फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाते पट्टी की पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने देखिए पट्टी की पूरी स्टिचिंग कर दी। अब डिज़ाइन बनाने के लिए इसको कट करेंगे, तो 3 इंच की लंबाई पे हमें डोरी कट करनी है। तो 3 इंच की लंबाई पे हम इसको बराबर में पूरा फोल्ड करेंगे। तो माप ले लेते हैं और इसके 3 इंच की लंबाई पे जितने पार्ट्स आए सबको फोल्ड कर देते हैं डोरी की। तो मैंने ये देख लीजिए आपको ये पूरा इतना सारा पार्ट्स फोल्ड करके दिखा दिया। अब इसको कट करके अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने डोरी को पूरा कट करके अलग अलग पार्ट में कर लिया। अब इस डोरी को साइड करेंगे और डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए इसके मिड से बिल्कुल फोल्ड करेंगे और थ्रेड की सहायता से यहाँ टाइट से करके हम गांठ लगा लेंगे। तो आप देख लीजिए पहले धागे को थोड़ा लपेट लेंगे और यहाँ से हम बांध लेंगे। इस जगह से हमारा थोड़ा चुन्नट मॉडल में आ जाएगा। इस तरीके से मैं आपको कुछ डिज़ाइन बनाकर दिखा देती हूँ जिससे आपको ये डिज़ाइन क्लियर समझ में आए। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये 2 डिज़ाइन बनाकर दिखाया वैसे पूरा बना लेंगे। तो मैंने पूरा ये डिज़ाइन बना दिया, इस डिज़ाइन को साइड करेंगे और मैंने देख लीजिए ये डिज़ाइन ले लिया। अब इसमें न्यूज़पेपर जो यूज़ किए थे इसको पूरा रिमूव कर लेते हैं। तो आपने देख लीजिए आप देख लीजिए मैंने ये पूरा रिमूव कर दिया। अब जो डिज़ाइन बनाया उसको 2 डिज़ाइन एक साथ में लेंगे। तो आप देखिए मैंने ये 2 डिज़ाइन साथ में ले लिया। इसका इस तरीके से फ्लावर बनाएंगे और यहाँ से देखिए नीडल की सहायता से स्टिच कर लेते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा मैंने कैसे स्टिच किया, ऐसे स्टिच कर दीजिएगा। आप जो मैंने देखे कपड़े छोड़ रखे हैं पट्टी का उसको देखिए अंदर की साइड कैसे फोल्ड कर रहे हैं, रॉन्ग साइड से ऐसे फोल्ड करते यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं पूरा। तो ऐसे बना दीजिएगा डिज़ाइन को। अगर आपको ये डिज़ाइन समझ में ना आए तो मैं आपको एक और डिज़ाइन इसका बना कर दिखा देती हूँ जिससे आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न हो क्लियर हो जाएगी। तो मेरा देखिए फ्लावर बिल्कुल अच्छे से बन चुका है, ऐसे मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। तो पहले देखिए 2 डिज़ाइन को लेते हुए स्टिच करेंगे, फिर फ्लावर को नीचे के साइड से बनाएंगे। जो पट्टियाँ हमने छोड़ रखी उनको अच्छे से नीचे के साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने 2 डिज़ाइन बनाकर दिखा दिया, ऐसे पूरा बना लीजिएगा। जितने भी हमने कॉर्नर बना रखे हैं पट्टियों का स्टिच करके ऐसे बना दीजिएगा। इसको डेकोरेट करने के लिए मोती लगाएंगे। तो देख लीजिए मोती मैं कैसे लगा रही हूँ, बिल्कुल मिड में ऐसे पूरे डिज़ाइन पर मोती लगा दीजिएगा जितने भी डिज़ाइन बनाइएगा।
तो मैंने ये दो डिज़ाइन पे लगा दिया, इसे पूरा बना देंगे। तो मैंने पूरी डिज़ाइन अच्छे से बना दिया, इसको डिज़ाइन को ब्लाउज के साथ में स्टिच करेंगे। तो ब्लाउज़ ये ले लिए साइड में, देखिए साइड से सिलाई लगाते हुए स्टिचिंग करेंगे डिज़ाइन को ब्लाउज के साथ में। तो आप वीडियो में देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगी मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ ब्लाउज के साथ में डिज़ाइन को। ऐसे पूरी स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो ये देखिए मैंने डिज़ाइन को अच्छे से ब्लाउज के साथ में स्टिच कर दिया है। अब ऊपर के साइड से जो हम गला है वहाँ से लेस स्टिच करेंगे। तो लेस लेते हैं, गले के साथ में स्टिच कर देते हैं। तो देख लीजिए मैं गले पे लेस को कैसे स्टिच कर रही हूँ। ऐसे बराबर करते हुए पूरे गले पे लेस की स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो मेरा गले पे लेस स्टिच हो चुका है। अब जो डिज़ाइन बनाए हैं, डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए हम बनाएंगे। तो आप देख लीजिए पहले डिज़ाइन की पत्तियों को सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से पत्ती मॉडल में डिज़ाइन को सीधा करते हुए बना दीजिएगा पूरा। तो मैंने ये देखिए पूरा डिज़ाइन पत्ती मॉडल में कैसे बनाया, आपको समझ में आया होगा। ऐसे पूरा बना दीजिएगा। अब इसको डेकोरेट करेंगे डिज़ाइन को, तो मोती से डेकोरेट करना है। तो डिज़ाइन को बनाते हैं मोती, जैसे ऐसे मैं लगा कर दिखा रही हूँ। इस तरीके से पूरे डिज़ाइन पे मोती को लगा दीजिएगा। तो देख लीजिए मैंने पूरे डिज़ाइन पे मोती ये लगा दिया है। मेरी डिज़ाइन देखिए बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, जो ऐसा ही ब्यूटीफुल और सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।